हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर पॉलिश लीग का मैच हो रहा है, रच चोर्ज़ोव वर्सेस रेडोमिर ग्रैडम के बीच, जो कि 11:30 बजे खेला जाएगा। बढ़िया मैच है भाई, क्योंकि पॉलिश लीग का मैच है और पॉलिश लीग ठीक ठाक लीग है, मतलब ऐसा नहीं, मैं गलत नहीं बोलूँगा, अच्छी लीग है। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो वटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो आरसी एंड आरआर में जो मैच हो रहा है, इसके अंदर मैं आपको फेवर करने को कहूँगा आरआर को, क्योंकि लास्ट सीजन से अब तक देखा जाए तो टॉप रैंकिंग में तो नहीं है ये टीम, लेकिन इनसे ज़रूर अच्छी है, मतलब आरसी टीम से ज़रूर अच्छा खेली है आरआर टीम। और सेकंड थिंग ये है कि आरआर टीम के अंदर ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है कि आरआर टीम ना कंटिन्यू गोल करती है, मतलब जीत एक अलग बात है, ठीक है, आप जीत रहे हो, गोल करे बिना जीत भी नहीं सकते, ये बात भी समझदार हो आप, लेकिन एक एक मैच में जैसे दो दो तीन तीन गोल देखने को मिलते हैं और रेगुलर एक ही खिलाड़ी का चलते रहना, ये बहुत चीज़ है भाई यहाँ पर। तो मतलब मैं आरआर टीम को यहाँ फेवर करूँगा, और आरसी टीम इतनी थोड़ी मतलब इनके मुकाबले की नहीं है। तो सबसे पहले स्ट्राइकिंग की बात करें तो पी हेनरी को मेरा पहला फेवरेट खिलाड़ी, जिसके ऊपर पूरी गेम टिकती है भाई, मतलब आरआर टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई प्लेयर है 11 में से प्लेइंग 11 में, तो वो पी हेनरी क्यों है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अकेला मैच जितवाता है, हालांकि कंट्रीब्यूशन सबका होता है, गोल कीपर से लेकर स्ट्राइकर तक सबका कंट्रीब्यूशन होता है, डिफेंडर का भी, मिडफील्डर का भी, लेकिन हेनरी क्यों का रेशियो अच्छा है और वो इस पोजीशन पे खेलता है कि उसके गोल आएंगे, ठीक है। और समेडो की बात करें, समेडो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में। आपने लास्ट मैच जो उसका देखा होगा वो 23 स्टेप तक देखा होगा, लेकिन सितंबर के बाद जो पूरे अक्टूबर के महीने में और इस बार आधा नवंबर निकलने को हो गया वो ठीक है, और जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें ई समेडो ने दबा के गोल किए हैं, गोल नहीं तो असिस्ट तो की ही की है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड खतरनाक है आखिरी मैचेस का, है ना। ऑपोजिशन टीम की बात करें, ऑपोजिशन टीम थोड़ी वीक है, हालांकि मैं एल रोचा देख रहा हूँ कि ना खेले, क्योंकि एल रोचा ना खेले क्योंकि मैंने ऑपोजिशन टीम का वो लेना है स्ट्राइकर। तो मैं यहाँ पर मैं दो प्लेयर में कंफ्यूज हूँ, एक है भाई डैनियल, एक है फेलिक्स, बट मैं डैनियल के साथ जा रहा हूँ बिकॉज डैनियल मुझे सेफ दिखाई दे रहा है। बात करें मिडफील्डिंग की, तो आर वॉल्स की एक पेनल्टी टेकर है, पहले बता रहा हूँ, बाद में बोलो कि भाई तूने हमें बताया नहीं, क्योंकि 23 सितंबर को भी इस बंदे की पेनल्टी मिस हुई थी जिस कारण इसके पॉइंट माइनस हो गए थे। तो इसके मैक्सिमम गोल पेनल्टी से ही आते हैं, कई लोग पेनल्टी के धनी होते हैं, ठीक है, तो मतलब कहीं फाउल होता ही होता है, मतलब हर बार नहीं लेकिन 10 में कभी 4 बार होता ही होता है, तो इसलिए इस खिलाड़ी को लेना पड़ेगा। एंड आगे से अगर बात करें डोनिस की, तो देखिए डोनिस मुझे खास तो समझ में नहीं आ रहा ये खिलाड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, ऐसे मैं कहूँ कि आप एक के पीछे पड़े रहो, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो आपको एक और ढंग के ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, दो मिनट, आपको एल यहाँ पर एक खिलाड़ी है जिसका नाम है लिसेंड्रो, ठीक है, आप इसको ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो एल मचादो को, क्योंकि एल मचादो एक्चुअली है इंजर्ड। अब आपको ये बात भी पता है कि एल मचादो अगर इंजर्ड है तो उसकी जगह मैंने आपको क्या ऑप्शन दिया, आपको मैंने दिया लिसेंड्रो का, बट लिसेंड्रो थोड़ा यहाँ पर आपकी क्लीन शीट पे पानी फेर सकता है। एक्चुअली यहाँ पर और भी एक ऑप्शन आएगा, एल मचादो की जगह फ्रैंक खेल सकता है, और फ्रैंक कैस्टेंडा का गेम प्ले कैसा है ये थोड़ा कहने में मुश्किल है, क्योंकि अगर ज़्यादा गोल हुए तो कैस्टेंडा का भी एक आधा असिस्ट आएगी, गोल ना हुए तो फिर डिफेंडिंग में ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि मिनिमम 3 डिफेंडर आप आरआर टीम के लोगे, और अगर जिसको क्लीन शीट का लालच है वो बंदा 4 लेगा, तो मुझे तो है लालच क्लीन शीट का, तो मैं तो भाई 4 लूँगा, डेविड को यहाँ पर लूँगा, अगला प्लेयर है ग्रेजिस, ठीक है। उसके बाद रॉसी की अगर बात करूँ, रॉसी खेल जाए, क्योंकि रॉसी लास्ट मैच खेला नहीं, बट अब इंजरी में नाम तो नहीं है, मैं तो कहता हूँ खिलाना चाहिए। उसके बाद आगे प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर है हमारा आरआर टीम का प्लेयर जो कि है मैट्रियस कंटिन्यू खेलता है, तो मैं मैट्रिस को हर बार लेने को ट्राई करता हूँ और आज भी लिया है। एंड बात करें गोल कीपिंग की, देन यहाँ पर है आरसी टीम का गोल कीपर जो कि है जैकब, तो हमारे दो प्लेयर जो बचते हैं वो मिडफील्डर लेंगे ऑपोजिशन टीम के, पहला जो उनका मिडफील्डर है वो है आरसी टीम का ही, जो उसका नाम है थॉमस, जो कि थॉमस फ्लॉप हो रहा था काफ़ी दिनों से, बट अब ऐसा लगता है कि ठीक ठाक खेल सकता है। और अगला मेरे को जो खिलाड़ी लेना था उसका नाम था मिलोस, बट मिलोस खेलेगा नहीं खेलेगा इस बारे में अभी पता नहीं है, तो चुपचाप अभी आप इसको सेव कर लो, आरसी टीम के सेकंड मिडफील्डर, इसका भी नाम सेम ही है, ठीक है। बात करें यहाँ पर कप्तान की, तो कप्तान का ऐसा है कि कप्तान देखो लोग वोल्स्की को रख रहे हैं क्योंकि सबको पता है पेनल्टी टेकर है, लेकिन मेरी राय मानो तो आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, और अगर कहोगे तो मैं ओपन टीम भेज दूंगा, ओपन आ जाएगी इसकी टीम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, देनी होगी तो मैं जरूर दूंगा आपको ओपन टीम इस मैच की, तैयार रहना। और एक प्लेयर का जो मुझे डाउटफुल है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, या तो आप देखो रॉसी को निकालो, ठीक है, अगर रॉसी को निकालते हो तो आपकी टीम में आ जाएगा फ्रैंक, अगर फ्रैंक को निकालते हो तो रॉसी, अब आप देख लीजिए, दोनों टीम्स के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी ये मेरी टीम है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।